नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2024 में कौन सा बेस्ट धमाकेदार स्कीम है जिसके अंदर आप पैसा लगाओगे तो आपको बहुत सारा रिटर्न मिलने वाला है। SBI की स्कीम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो SBI की बहुत सारी स्कीम है मार्केट में, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें अगर आप पैसा लगाते हो खाली 1500 रुपया महीना, तो आपका यहाँ पे लाखों रुपया तक आराम से बन सकता है। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो मेरे यारों और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो इस स्कीम का नाम है 2024 की बेस्ट स्कीम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड मतलब क्या, आपके पास पैसा लेता है और वो डालता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में रिस्क होता है। रिस्क मतलब कि आपका पैसा कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, तो आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ए फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं। ए फंड ने लास्ट 1 ईयर में 29.21% रिटर्न दिया है, यानी कि FD से 4 गुना रिटर्न। देखो यहाँ पे अभी आगे बात करें तो 3 साल की, तो ए फंड ने 3 साल में रिटर्न निकाल के दिया है 26.61, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है 3 साल का। अब आगे बात करें तो 5 साल, 5 साल पे ए फंड ने रिटर्न हमको निकाल के दिया है 25.12%, यानी एक अच्छा और फेवरेबल रीजनेबल रिटर्न है 25%, यानी बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है क्योंकि मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, उसके अंदर ये रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। अभी बात करें ऑल टाइम रिटर्न, ऑल टाइम रिटर्न है इसका 25.18% रिटर्न है इसका, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। जब से ये फंड आया है, 10-12 साल से ये फंड आया है मार्केट में, तब से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है। अभी साथियों बात करें तो इसके अंदर पैसा कैसे लगाए। पैसा लगाने के लिए आपको मंथली SIP करना पड़ेगा। SIP यानी हर महीने पैसा डालते रहो ऑटोमेटिक, 500 रुपया, 1000 रुपया, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप हर महीने डालो पैसा। 1000, 1000, 2000, 3000, 5000, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप पैसा डाल सकते हो। अभी बात करते हैं अगर एक साथ डालना है तो एक साथ भी डाल सकते हो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप पैसा डाल सकते हो। अभी साथियों बात करते हैं इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.7, यानी कि आपके पास जो है मैनेज करता है फंड उसमें से 0.7% ये चार्ज करता है फंड मैनेज करने का। अभी आगे बात करते हैं कि इसके अंदर कितना पैसा लगा हुआ है। 22,900 करोड़ का इसका फंड साइज है। इतना सारा पैसा लोगों ने लगाया हुआ है इसके अंदर, इसलिए काफ़ी अच्छी फंड साइज है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं इसकी होल्डिंग्स, यानी कि आपके पास तो पैसा ले लिया, फिर ये पैसा डालता कहाँ पे है। यहाँ पे हम देखें तो इसकी होल्डिंग्स में हम देखें तो इसने डाला है ब्लू स्टार लिमिटेड में 4%, SBFC फाइनेंस में 2.5%, फिर CMS इन्फो सिस्टम में इसने 2.5% डाला है, कल्पतरु के इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने 2.5% डाला है, फिर आप देख सकते हो कार्बन डैम यूनिवर्सिटी में 2.5% डाला है, फिर चैलेंज होटल में 2.5% है, SJN VN लिमिटेड में 2.5% है, लेमन ट्री में 2.5% है, ये सब इंडिया में 2.5% है, और इजली इक्विपमेंट लिमिटेड में 2.5% है। यानी कि सब छोटी छोटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लेकिन छोटी कंपनियाँ है उसमें पैसा डाला है। और आगे बात करें तो कितना पैसा डालोगे तो कितना पैसा मिलेगा। अगर आप 1500 रुपये डालते हो 10 साल तक तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,80,000, और उसके सामने आपको मिलेगा 7,99,000 रुपया। अभी आगे बात करते हैं अगर आप 15 साल के लिए पैसा डालोगे 1500 रुपया तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,70,000, और उसके सामने आपको मिलने वाला है 79,34,000, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अभी आगे बात करते हैं 20 साल तक अगर आप 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,60,000, और उसके सामने आपको मिलेगा 1,03,00,000 रुपया। देखा दोस्तों काफ़ी अच्छा रिटर्न है, आज ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर। और यहीं से अगर आपने 25 साल तक चलाई तो 1500 रुपये हर महीने काटोगे तो 4.5 लाख हो जाएगा 25 साल का आपका जमा, और उसके सामने मिलेगा 3,56,00,000, यानी कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। आज ही SBI विजिट कीजिए या फिर ऑनलाइन जैसे आपको मर्जी पड़े। शेयर बाजार रिलेटेड स्कीम है इसलिए थोड़ा ध्यान बूझ के ज़्यादा मत पैसा डालना। जय हिंद, जय भारत।